मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के चंदिया क्षेत्र अंतर्गत हजरत नोकजा बाबा की दरगाह में चल रहे 3 दिवसीय उर्स कार्यक्रम का समापन हुआ। वहीं हिंदू मुस्लिम की एकता के बीच उर्स का यह कार्यक्रम चंदिया नगर में 92 साल से आयोजित किया जा रहा है, जहां भाईचारे की मिसाल देखने को मिली है। कार्यक्रम के दौरान दूर दराज से आए हुए जायरीनों ने नोकजा बाबा की मजार पर चादर चढ़ाकर अपने परिवार एवं देश की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। आयोजित कार्यक्रम अवसर पर मुख्य अतिथियों की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र से आए हुए कलाकारों के द्वारा शानदार कव्वाली की प्रस्तुति की गई, जिसे सुनने के लिए मध्य प्रदेश के अनेक शहरों से लाखों की संख्या में आए हुए जायरीनों ने उर्स मेले का आनंद उठाते हुए कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित रहे एवं चंदिया नगर स्थित कतली नदी का इतिहास भी मान्यताओं को लेकर 650 साल पुराना रहा है। वहीं कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा को लेकर पुलिस द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए थे, जहां पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बाद धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। पेश है उमरिया के संवाददाता शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। अपने अशिकों में मोहम्मद का पसीना मांगो, अपने अशिकों में मोहम्मद का पसीना मांगो। ये तो है नहीं मांगता आठ और नौ दिनांकों में रखा गया था, आज अंतिम दिन है। दो दिन जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, छोटी काफी संख्या में खुशहाली के लिए और जनमानस के खुशहाली के लिए नोकजा बाबा के द्वारा चादर चढ़ा के मन्नत मांगे हैं। पूरे नोकजा बाबा के प्रार्थना है कि प्रदेश खुशहाली के तौर पर आगे बढ़े, भाईचारा भाईचारा प्रेम साल हो गए हैं इसको ना। और ये नोकजा साहबा का नाम किला है, 9 गज की है और यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता बनी हुई है। उस हर वर्ष होता है, अच्छे अच्छे कव्वाल आते हैं, ऊँचे ऊँचे कव्वाल आते हैं। यहाँ भाईचारा बना हुआ है, प्रेम प्रेम बना हुआ है। साल में हिंदू मुस्लिम सब एकता, जिनके नातेदार यहाँ हैं सभी के घरों पे आते हैं हैं, और सब अपना बाबा के यहाँ आना जाना उनका ये लगा हुआ। ये उर्स 92 साल से लग रहा है, अनवरत कभी भी बंद नहीं हुआ। इस उर्स की विशेषता ये है कि यहाँ आने वाले जायरीन हजरात की मुरादें पूरी होते हैं, इसलिए रोज़ बरोज तरक्की होते हैं। और इस साल तकरीबन 2 लाख जायरीन के आने का अंदाज़ा था और वो आएंगे ही इंशाअल्लाह ताला। इसके पीछे एक नदी है, जिस नदी को हजरत बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह पाक पट्टन कराची वालों के कथरी बहाकर उनकी
करामात जाहिर हुई है। वो नदी आज भी जब से बही है 650 साल से आज तक नहीं सूखी। ये यहाँ की विशेषता है और यहाँ लोग झाड़ फूक कराने वाले भी आते हैं और नदी में नहाते हैं और अच्छे होके चले। कोर्स हमारा 92 साल से हो रहा है। ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक है जो कि मध्य प्रदेश में एक मिसाल के तौर पर इसको जाना जाता है और भाईचारा यहाँ कायम है और आने वाले समय में आप लोग का सबका सहयोग रहेगा जिससे कि यहाँ परंपरा चलती रहे।